सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज झारखंड व पाएं झारखंड की तमाम खबरें। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। पलामू जिले के सतबरवा प्रखंड के सतबरवा पंचायत के ग्राम बदलाया भुया टोला में नारायण सेवा समिति सतबरवा ट्रस्ट सैकड़ों बच्चों को गर्म वस्त्र, साड़ी, धोती वस्त्र का वितरण किया। नारायण सेवा समिति के अध्यक्ष निर्दोष कुमार उर्फ अकलू बाबा ने कहा कि सर्दी में संपन्न परिवार के लोगों की हालत खराब है, तो ऐसे में सड़कों पर और झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले गरीबों की और उनके बच्चों की क्या हालत होगी। इसी दर्द को समझते हुए जैन राम सेवा समिति सतबरवा ने संपन्न लोगों के घरों से उनके पुराने गर्म कपड़े इकट्ठे किए और गरीबों में बांटने का जो काम किया है वो सराहनीय कदम है। हम सभी को गर्म कपड़ों का दान देकर गरीबों की मदद करनी चाहिए। आज नारायण सेवा समिति को जो वस्त्र प्राप्त हुए, सतबरवा निवासी हरिजन मोहल्ले के श्रीमान अनिल राम जी के द्वारा सैकड़ों बच्चों को गर्म वस्त्र उनके द्वारा प्राप्त हुए। मौके पर निर्दोष कुमार, संदीप जी, प्रेम पाठक जी, विनोद मांझी मुख्य रूप से उपस्थित थे। जय श्रीमन्नारायण। आज नारायण सेवा समिति पलामू जिला के सतबरवा प्रखंड के सतबरवा पंचायत के ग्राम बदलाया टोला में उपस्थित है। जैसा कि आप जानते हैं कि नारायण सेवा समिति लगातार जरूरतमंदों के बीच में जो सेवा करने का काम कर रही है, आज भी ग्राम बदलाया में आज जो बदलाया टोला में जो सेवा हो रहा है और जो दाता आज नारायण सेवा समिति को जो वस्त्र जिनके द्वारा प्राप्त हुआ है, मैं उस दाता का नाम लेना चाहूँगा। सतबरवा हरजन मोहल्ला के निवासी श्रीमान अनिल राम जी जो शिक्षक हैं, महाविद्यालय ट्रेनिंग स्कूल में उनका डिप्टी था, नारायण सेवा समिति उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती है कि ठंड को देखते हुए उन्होंने सैकड़ों बच्चों को गर्म वस्त्र उपलब्ध कराया। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और मैं दान दाता हूं उसे आग्रह करता हूं कि ठंड को देखते हुए नारायण सेवा समिति को गर्म वस्त्र उपलब्ध कराएं और जो जरूरतमंद है उन लोग के बीच में जाकर सेवा करने का काम करें। नर सेवा, नारायण सेवा।